यूपी के मथुरा से खबर है, जहां पर जमीन को लेकर जमकर मारपीट हुई है। तो मौंटे इलाके में यमुना खादर में जमीन कब्जा हटवाने के लिए जब राजस्व विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो कब्जा करने वाले शख्स और उसके परिवार ने उनके साथ टीम के साथ बदसलूकी की। कब्जा करने वाले शख्स ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा भी किया। वहीं भारी हंगामे के बीच एक महिला बच्चे को जमीन पर पटक कर पुलिस वालों से भिड़ गई, जिसके बाद बच्चे का पिता बच्चे का पैर पकड़कर चारों तरफ तेज से घुमाने लगा। फिलहाल पुलिस ने हंगामा करने के बाद तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो यूपी के मथुरा से खबर है, जहां पर कब्जा करने वाले दबंगों से जब राजस्व विभाग की टीम वहां पर पहुंची कब्जा छुड़वाने के लिए, तो इस दौरान कब्जा करने वाले शख्स और उसके परिवार वालों ने जमकर राजस्व विभाग की टीम के साथ जमकर मारपीट की। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से टीम को खदेड़ा जा रहा है, टीम के साथ बदसलूकी की जा रही है, मारपीट यहां पर की जा रही है। और इसी बीच मारपीट के जहां पर एक महिला बच्चे को पटक कर फेंक देती है, लेकिन उसी के कुछ देर बाद बच्चे का जो पिता है वो बच्चे को उठाकर देर तक घुमाता है, पैर पकड़कर उसका घुमाता है, जिसके बाद फिर महिला आकर बचाती है। लेकिन हंगामा किस तरह से किया गया है ये आप देख सकते हैं कि बेवजह कब्जा हटवाने के लिए जब राजस्व विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो बदसलूकी की गई, जमकर हंगामा किया गया, माहौल को गर्माने की कोशिश यहां पर इन लोगों के जरिए की गई है, दबंगों के जरिए की गई है, जहां पर मासूम बच्चे को पटकने की कोशिश भी की गई है। तो शर्मसार करती ये घटना है अपने आप में, जहां पर विभाग की टीम को वापस भेजने के लिए कहीं ना कहीं ये एक तरीका यहां पर इन लोगों के जरिए अपनाया गया है, जहां पर अपने ही बच्चे के साथ यहां पर इस तरह का व्यवहार किया गया है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से ये शख्स बच्चे के पैर को पकड़कर घुमा रहा है, किस तरह की बदसलूकी न सिर्फ अपने बच्चे के साथ इस शख्स ने करी बल्कि टीम के साथ भी की है।